देखिए, बाढ़ में के कारण बिहार में जो स्थिति है निश्चित तौर पर चिंताजनक है, और गंगा का भी जलस्तर बढ़ा है जिसके कारण 16 जिला उधर प्रभावित हैं, और अभी जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है उसमें 13 जिला हमारे प्रभावित हैं। सब मिलाकर के 29-30 जिला बाढ़ के कारण है, और बहुत दिनों के बाद इस तरह की आपदा आई है। तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी भी कल थे, आज भी होंगे, और वो भी देख रहे हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब भी ज़रूरत हो केंद्र सरकार का भी मदद लेंगे, और तटबंध भी टूटने की खबर आई है, 5 जगह 4 जिलों में तटबंध टूटा है। तो हम लोग पूरी आकलन कर रहे हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर मिनट का मॉनिटरिंग हो रहा है। जितनी भी टीम अगर NDRF SDRF की टीम की ज़रूरत हो तो भी जरूरत, कहीं तो एक जगह गंगा नदी के किनारे जो हो रहा है उसमें 12 NDRF की टीम है और SDRF की टीम है, सब मिला करके सरकार के स्तर से पूरी कोशिश हो रही है। चाहे लोगों को बचाने का काम हो, राहत शिविर का काम हो, फूड पैकेट का काम हो, पोलिथीन सीट देने की बात हो, तो नाव का व्यवस्था कराना हो, बोट एम्बुलेंस का बात हो, हर जगह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, जल संसाधन विभाग लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे DM अलर्ट पर हैं। तो सरकार के स्तर से कहीं पर कोई कोताही नहीं की जा रही, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस आपदा से जल्द हम लोग निपटें, हम लोग यही कोशिश में लगे हुए हैं, और हम समझते हैं कि 4-5 दिनों के बाद स्थिति धीरे धीरे समान होना शुरू हो जाएगी। तस्वीरें निकल रही हैं, कई जगहों पर पब्लिक कह रही है कि राहत शिविर तक नहीं ले जाया जा रहा, खाने की काफ़ी दिक्कत, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कहीं पर हो सकता है, 1-2 जगह पर हैं, लेकिन सरकार के स्तर से नाव की संख्या बढ़ाई जा रही है, SDRF NDRF की टीम लगी हुई है, और हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है, हम लोग बात कर रहे हैं जो आपदा पदाधिकारी हैं, DM से हर जिले की मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे SCS भी दरभंगा गए हुए हैं, वहाँ कैंप किए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि इसी घटना जब भी आएगा संज्ञान में तो हम लोग वहाँ पर भी जा करके और आपसे भी आग्रह करेंगे, कहीं स्पेसिफिक जगह पर ऐसा लगता है कि इस जगह पर वो राहत नहीं पहुँच पा रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वहाँ जल्द से जल्द राहत पहुँचाए। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, जी, जिस तरीके से हाई अलर्ट हुआ था, सभी जिलाधिकारी को हाई अलर्ट पर रखा गया था, उसके बाद कई जगह तटबंध टूटे, क्या लगता है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि एयरफोर्स फूड पैकेजिंग एयर ड्रॉपिंग किया जाए या लोगों को एयर लिफ्टिंग की जरूरत? देखिए, ऐसी जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी देख रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, हम लोग आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से, राष्ट्रीय आपदा अगर उस तरह की बातें होंगी तो फूड पैकेट्स भी होंगे, सारा चीज़ होगा, हम सब देख रहे हैं, हम लोग अगर इस तरह की बातें होंगी तो वो भी राहत होगा, क्योंकि बिहार के सब लोग हम लोग मिल कर करके केंद्र सरकार है, तो ऐसी जरूरत होगी तो सेना को ही बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, हम समझते हैं उस तरह की स्थितियां होगी तो निश्चित तौर पर सेना भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि आपदा का स्थिति है, इसमें सब लोग साथ मिल कर काम करेंगे। हाई अलर्ट के बावजूद भी कई स्थानों पर तटबंध टूट गए, लग रहा आपको कि कहीं ना कहीं हो सकता है, हालांकि जल संसाधन विभाग का जो मामला है, लेकिन टूट गए तो उसके बाद स्थिति आप पर आ गई, क्योंकि आपदा आपको सब कुछ करना है, तो क्या लगता है कि निश्चित तौर पर जो अलर्टनेस था वो अलर्टनेस इंजीनियर नहीं थे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, अलर्ट सब थे, तटबंध टूटे हैं, उसमें ये है कि आप पानी का जो बहाव है, पानी का जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि तटबंध को तोड़ दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें इंजीनियर्स तो वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नेचुरल चीज़ होता है, जो प्राकृतिक चीज़ होता है, जो हमारे भी बस में नहीं होता है, तो ये कारण हुआ है, तटबंध टूटे हैं, और निश्चित तौर पर परेशानी में है। अभी खबर 6 बजे का हम लोग ने मॉनिटरिंग किया है, उसमें खबर आया है 4 जिलों में 5 जगह तटबंध टूटे हैं, तो वहाँ पर टीम गई हुई है, देख रही है, और हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम तो आप सबसे भी कहेंगे, सब मिल करके इस बार बिहार में जो आपदा आई है उससे हम लोग मिल करके इसको टैकल करें, तो हम समझते हैं कि जल्द से जल्द इस पर हम लोग काबू पा सकेंगे। सर, आपदा पे सियासत भी हो रहा है, RJD के लोग कह रहे हैं कि सरकार के लोग गायब हैं और हम लोग विपक्ष में हैं, फिर भी पैकेट बांट रहे हैं, खाने पीने का सामान बांट रहे हैं, और सरकार के लोग कुछ देख नहीं रहे। अब देखिए, कोई व्यक्ति क्या कहता है, ये स्थिति आपदा में जो स्थिति है, हमारे साथ सबको मिलकर विपक्ष को भी चलना चाहिए, ये चक्कर में राजनीति करने का समय नहीं है। अब कोई विपक्ष कह दे कि सरकार से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, हम सरकार से ज़्यादा फूड पैकेट बांट सकते हैं, तो ये अलग चीज़ है, लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य है। हम लोग भी विपक्ष में रहते थे तो हम लोग को भी जितनी संसाधन होता था हम लोग भी दिए, हम लोग भी पार्टी में
मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे दिए, तो विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ राजनीति का कोई मामला नहीं है, ये राजनीति का समय नहीं है, राजनीति का समय बाद में हम लोग करेंगे, अभी है कि इसे आपदा से निपटें। और सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं, विपक्ष के साथियों को, कि अगर आप मदद कर रहे हैं तो उसको आप दिखाने का कोशिश नहीं कीजिए, आप वहाँ पर खड़े रहिए, उन लोगों के साथ खड़े रहिए, तो निश्चित तौर पर लोगों को मजबूती मिलेगी। तो विपक्ष का भी रोल अभी है, अभी साथ में रहना चाहिए, अभी पॉलिटिक्स नहीं करना। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री उस क्षेत्र में नजर नहीं आते, इसको लेकर के भी सवाल कर रहे हैं कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति है और वो लोग गायब नजर। अब देखिए, आपदा में कोई आदमी अगर हम कहें कि आप जा करके पानी से लोगों को निकालिए, विधायक और एमपी से, तो अच्छी है, देखिए उसकी एक टीम है, उसके ट्रेंड लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के विधायक उनकी जनता है, उनको चिंता नहीं है, ज़रूर होंगे, अपने हेडक्वार्टर में होंगे, वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विपक्ष दिखा रहा है और किसी के बीच जा कर करके अब ये कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सरकार से आप ज़्यादा कैसे कर दीजिएगा, सरकार अगर नहीं रहेगी तो आप कैसे कर लिए, ऐसी बात ठीक है। विपक्ष का काम है आईना दिखाना है, अगर कहीं पर नहीं गया है राहत तो सरकार को सजग करे, सरकार को कहे, वो काम आप भी कर सकते हैं, वो आप भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि विपक्ष से ज़्यादा रोल हम अभी आपका है, आपके लोग भी सब जगह लगे हुए हैं, तो जैसे ही भी सरकार के नोटिस में लाइएगा तो सरकार को मदद कर रहे हैं। यहाँ क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप सरकार को बोलिए, सबको बोलिए कि यहाँ पर आपदा की ज़रूरत है, यहाँ पर आपदा में यहाँ पर राहत की ज़रूरत है, तो राहत पहुँचाई जाएगी, निश्चित तौर पर पहुँचाई जाएगी, क्योंकि सरकार से भी कुछ छूट सकता है और आपके नज़र में है, तो वहाँ पर सरकार को सजग करना होगा ताकि जितने लोग अभी उसमें फंसे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिल सके, यही हम लोग की कोशिश। अंतिम सवाल सर, उत्तर प्रदेश और झारखंड से एनडीआरएफ की और टीम को शिफ्ट किया गया है, क्या लगता है कि और स्टेट से भी शिफ्ट करने की जो हालात हैं वो हालात? देखिए, हालात की मॉनिटरिंग हो रही है, अगर ये बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर, मैंने तो कहा ना कि केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। आप